तहरीक इंसाफ में मुस्लिम लीग काफ को जम करने का ये मामला है। चौधरी परवेज़ इलाही इमरान खान से मुलाकात के लिए जमान पार्क पहुंच गए हैं। मुश्तरका सियासी सफबंदी के हवाले से हतमी बातचीत होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से, जो कि मुलाकात होने जा रही है जमान पार्क में इमरान खान से, और इमरान खान मुलाकात करेंगे चौधरी परवेज़ इलाही से। आपको आगाह किया जा रहा है इस हवाले से, जो कि यह मामला है चौधरी परवेज़ इलाही की इमरान खान से मुलाकात के लिए जमान पार्क में आमद का सिलसिला जारी है, और ये मुलाकात होने जा रही है तहरीक इंसाफ में मुस्लिम लीग काफ को जम करने का ये मामला है। चौधरी परवेज़ इलाही इमरान खान से मुलाकात करने के लिए जमान पार्क में पहुंच गए हैं, और मुश्तरका सियासी सफबंदी के हवाले से हतमी बातचीत भी होगी। इसी पर हमें ज्वाइन किया है लियाकत अली ने। जी लियाकत, बताएगा मुलाकात में कौन से अहम फैसले मुतवक्के हैं? आज पीटीआई को मुस्लिक जो है, और पीटीआई और मुस्लिक काफ के जो इंतजाम का मामला है, ये उस हवाले से मुलाकात हो रही है। साबिक वज़ीर आला पंजाब से पवेला ही जमान पार्क पहुंचे हैं, और मुस्लिम काफ के जो 10 साबिक अरकान असेंबली हैं वो भी चौधरी पवेला ही के साथ यहाँ जमान पार्क में पहुंचे हैं। चौधरी पवेला ही और इमरान खान की मुलाकात में मुश्तरका सियासी दस्ताबंदी के हवाले से अपनी बातचीत होगी, और मुस्लिम काफ को पीटीआई में जम करने के हवाले से भी आज हतमी तौर पर फैसले का इम्कान है। अच्छी पवेला ही थोड़ी देर पहले जो पार्लियामेंट्री पार्टी का साबिक का इजलास हुआ था, उसमें अपने फैसलों का इख्तियार दे दिया गया है, और अब इस वक्त इमरान खान की मुलाकात जो है चौधरी परवेज़ इलाही से जारी है। ठीक है, लियाकत ये भी बताएगा कि चौधरी शहजाद हुसैन ने परवेज़ इलाही को पार्टी रुकनियत खत्म कर दी है, क्या वजह सामने आई है? देखें, चौधरी शहजाद हुसैन ने परवेज़ इलाही को पार्टी से जो है उनकी बुनियादी रुकनीत को बर्खास्त कर दिया है। उन्होंने अपने लेटर में कहा कि 16 जनवरी को जब पीटीआई के में मुस्लिम लीग काफ को जम करने की खबरें आई थी, तो उस वक्त इनको शो का नोटिस जारी किया गया था, और कहा गया है कि 16 जनवरी के शो का नोटिस की कोई वजाहत नहीं दी गई, और आपने पार्टी के जाब्ता अखलाक की खुली खिलाफवर्जी की है, इस पर आपको पार्टी से बर्खास्त किया जाता है। शुक्रिया लियाकत, आप हमें आगाह कर रहे थे इस बारे में।